मैं आरके यादव रे ऑफ सक्सेस कोचिंग सहरसा से आप लोगों के बीच फिर से साइंस का कुछ टॉपिक लेकर के आया हूं। आईटीआई और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक मैं आप लोगों के बीच लाया हूं। आशा करता हूं कि आप लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से घर बैठे कोरोना वायरस के महामारी के कारण जो आप लोग जहां पर फंसे हुए हैं वहीं से अच्छी तरीके से तैयारी कर सकेंगे। हमारे क्लास के कुछ स्टूडेंट जो हमारे पास पढ़ते थे, हमारे इंस्टीट्यूट में आते थे, वो भी अभी कोरोना वायरस के चलते अपने अपने गांव में फंसे हुए हैं। मैं उन लोगों से विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग जहां भी हो हमारे मार्गदर्शन के अनुसार अपनी अपनी तैयारी को पूरा करें। तो आज आप लोगों के बीच जो हम लेकर के आए हैं वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा लाइट। आज का हमारा टॉपिक है लाइट। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, लाइट से बिहार पॉलिटेक्निक में कम 5 क्वेश्चन पूछा जाता है और अधिक से अधिक 7-8 क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुका है। आईटीआई में भी और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के एग्जाम में भी लाइट का काफी इम्पोर्टेंस रहता है, क्योंकि ये हमारे जो बुक में हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ है उसमें काफी ये लंबा चैप्टर भी है। तो आज लाइट को ही हम लोग समझेंगे बेसिक से कि सबसे पहले ये लाइट होता क्या है। ध्यान दीजिए, लाइट जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश। ध्यान दीजिए, लाइट को हम लोग कहते हैं प्रकाश। लाइट को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश। हिंदी में इसको हम लोग प्रकाश कहते हैं। और ये क्या है? ऊर्जा का एक फॉर्म है। ये एक प्रकार का ऊर्जा है। लाइट क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। ध्यान दीजिए, लाइट क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी दीप्त वस्तु से निकलती है और सजीव के नेत्रों पर पड़ती है, जिसके कारण हम लोगों को देखने की अनुभूति होती है। ध्यान दीजिए, मनुष्य के आंख में कोई रोशनी नहीं होती है कि हम लोग अंधेरे में किसी चीज को देख सके, बल्कि हम लोगों को किसी वस्तु को देखने के लिए उस वस्तु पर प्रकाश का पड़ना आवश्यक है, आंख पर प्रकाश पड़ना आवश्यक नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो आप बाहर रूम से अपने कमरे में सभी लाइट्स को, सभी बल्ब को ऑफ कर दीजिए और बाहर से आप खड़े होकर के किसी वस्तु को रूम में रख दीजिए और देखिए तो आपको दिखाई नहीं देता है। लेकिन आप अंधेरे कमरे में भी खड़े होकर के उसी वस्तु को अगर बाहर में रख देते हैं लाइट्स के उपस्थिति में तो आप उसको आराम से देख लेते हैं। इसका अर्थ होता है कि प्रकाश वह साधन है जिसके द्वारा किसी चीजों को हम लोग देख पाते हैं। प्रकाश के माध्यम से हम लोग किसी चीज को देख पाते हैं। प्रकाश के द्वारा किसी चीज को देखने के लिए आंख पर रोशनी का पड़ना आवश्यक नहीं है, बल्कि किसी जिस वस्तु को हम लोग देखना चाहते हैं उस वस्तु पर रोशनी का पड़ना आवश्यक है, ताकि वहां से प्रकाश का परावर्तन हो और परावर्तित प्रकाश हमारे आंख के रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाती है, और रेटिना पर जो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब मस्तिष्क में जाकर के बनता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आंख पर जब परावर्तित प्रकाश पड़ती है किसी वस्तु से, तब हम लोग उस वस्तु को जाकर के देख पाते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा है। दूसरा बात जो ऑब्जेक्टिव है, कई बार कई एग्जाम में पूछा हुआ है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। इसको भी आप याद रखें कि प्रकाश जो है ये अनुप्रस्थ तरंग है। ध्यान दीजिए, अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, यांत्रिक तरंग का दो प्रकार होता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम का कण माध्य स्थिति के अनुप्रस्थ, प्रकाश हमारा अनुप्रस्थ तरंग है। ध्यान दीजिए, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग जो है ये दो प्रकार का तरंग होता है। यांत्रिक तरंग का ये दो प्रकार है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ तरंग का जो संचरण होता है ये श्रृंग एवं गर्त के रूप में होता है। इस तरह से यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं, इसको हम लोग श्रृंग और गर्त के रूप में कहते हैं। इसको श्रृंग कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, इसको गर्त कहते हैं, फिर इसको शीर्ष कहते हैं, फिर ये आगे जाएगा तो इस तरह से यहाँ गर्त का निर्माण करेगा
और याद रखिए आप लोग विशेष रूप से कि दो क्रमागत शीर्ष या दो क्रमागत गर्त के बीच के दूरी को लैम्डा, जिसको हम लोग तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ कहते हैं। ध्यान दीजिए, अनुप्रस्थ तरंग में वेवलेंथ का डिफिनेशन होता है कि दो क्रमागत श्रृंग या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और तरंग दैर्ध्य का मात्रक, चूंकि ये डिस्टेंस है तो तरंग दैर्ध्य का भी मात्रक जो होता है वो लंबाई का जो यूनिट है वही यूनिट तरंग दैर्ध्य का होता है, तो हम लोग मीटर कह सकते हैं। तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रम भी हो सकता है। तो चूंकि तरंग दैर्ध्य एक प्रकार से हम लोग कहते हैं कि ये डिस्टेंस है, ये दूरी है, दो क्रमागत श्रृंग या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को अनुप्रस्थ तरंग में तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जबकि अनुदैर्ध्य तरंग का अगर बात आएगा तो हम अगले क्लास में आपको बताएंगे कि अनुदैर्ध्य तरंग में जो तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ का जो डेफिनेशन होता है वो संपीड़न और विरलन के रूप में होता है। संपीड़न और विरलन के रूप में उसमें तरंग संचरण होता है, और अनुप्रस्थ तरंग में श्रृंग एवं गर्त के रूप में तरंग का संचरण होता है। याद रखिए कि तरंग वास्तव में ऊर्जा को कैर करता है, ढोता है, ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह ये ट्रांसफर करता है। तो आप कई एनसीईआरटी की किताब सब में देखिए एक लाइन लिखा हुआ है कि तरंगे ऊर्जा की वाहक होती है, तरंगे ऊर्जा की वाहक होती है, मीन्स तरंग ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है, ये ऊर्जा को कैरियर करता है, ढोता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, और विशेष बात कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। और याद रखिए कि निर्वात में वैक्यूम में प्रकाश की जो चाल होती है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ध्यान दीजिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और सी जो होता है ये 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड, और इसी को हम लोग 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड कहते हैं। और आईटीआई इंट्रेंस एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि प्रकाश का चाल किसके द्वारा निकाला गया, तो प्रकाश का चाल याद रखिए रोमर के द्वारा निकाला गया। प्रकाश का चाल जो 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड निर्वात में होता है, और ये मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में मैक्सिमम प्रकाश की चाल होती है, और वो होती है 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड या 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान दीजिए, इस पर कई अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है। प्रकाश की चाल निर्वात में मैक्सिमम होती है, माध्यम बदलने से प्रकाश का चाल बदल जाता है, और वो डिपेंड करता है उस माध्यम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, जो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो जिस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट उसमें कम हो जाता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट हम लोग कह सकते हैं कि मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम घटेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन उस माध्यम में प्रकाश की चाल घट जाएगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट उस माध्यम में प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी। ध्यान दीजिए, अगर आपको मान लीजिए प्रकाश की चाल, ये भी इंट्रेंस में पूछ सकता है कि प्रकाश की चाल, और यहाँ पर यूनिट खाली चेंज करता है, यहाँ मीटर प्रति सेकंड में हम लिए है, किलोमीटर में लेंगे तो यहाँ 10^8 लिखे हैं, ये 5 हो जाएगा। आप लोग इसको अपने से चेंज कीजिए अलग अलग सिस्टम में, तो फीट में पूछ देगा मान लीजिए, मील में पूछ देगा मान लीजिए, तो किस पद्धति में कितना होगा, ये हमारा एसआई पद्धति है, मीटर प्रति सेकंड में 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है। तो ध्यान दीजिए, प्रकाश की चाल, प्रकाश का चाल जो है ये रोमर के द्वारा निकाला गया, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है, और हम लोग देखते हैं कि निर्वात में ही प्रकाश की चाल मैक्सिमम होती है, सभी माध्यम में निर्वात में प्रकाश की चाल मैक्सिमम होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रकाश में, प्रकाश के द्वारा हम लोग किसी चीज को देख पाते हैं, प्रकाश जो है दीप्त वस्तु से निकलती है, और प्रकाश का एक बहुत बड़ा स्रोत जो है हम लोगों के बीच सूर्य है। सूर्य एक तारा है जिसका प्रकाश पृथ्वी पर जो जब पड़ता है तो हम लोग कहते हैं कि अभी दिन है, और जब पृथ्वी पर वो नहीं पड़ता है तो हम लोग कहते हैं कि अभी रात है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब प्रकाश में हम लोग बात करेंगे आगे जो बढ़ते हैं, तो गोलीय दर्पण किसी खोखला गोला का भाग होता है। जैसे मान लीजिए ये कांच का कोई खोखला गोला है,
कांच का ये कोई खोखला गोला है, इसको आप बीच से काट दीजिए। गोला है तो इसका सेंटर जो होगा ये बीच में होगा, गोला है तो इसका सेंटर जो होगा ये कहाँ होगा, बीच में होगा गोला का सेंटर। अब दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर दीजिए, तो एक पार्ट्स मान के चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं ऐसा है, और दूसरा पार्ट्स मान के चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं ऐसा है। तो यहाँ पर अगर हम इसको काट लेते हैं बीच से, तो ध्यान दीजिए इसका सेंटर बीच में था। अब हम दोनों को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं अलग अलग, ध्यान से आप देखिए। पहले एक भाग को हम ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए पहले ये आपका एक भाग है जिसको पीछे से अगर हम लोग पेंट कर दिए, इधर से अगर पेंट कर देते हैं, तो इसका सेंटर चूंकि जो गोला था उसका सेंटर बीच में था, तो इसका सेंटर इस साइड आएगा। तो चलिए अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसको हम लोग मुख अक्ष कहते हैं, जो दर्पण को दो बराबर भागों में बांटता है। मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस जिसको हम लोग कहते हैं, जो दर्पण को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। यहाँ पर जो मुख्य अक्ष दर्पण को जहां पर इंटरसेक्ट करती है वहां पर हम लोग पोल लेते हैं जिसको ध्रुव कहते हैं। उसके बाद चूंकि इसका गोला का सेंटर बीच में था, तो इस साइड का इस भाग का जो सेंटर होगा ये इधर होगा, तो यहाँ पर हम लोग सेंटर सी लिखते हैं, और पी और सी के बीच में ठीक मध्य में जो होता है ये फोकस होता है, तो यहाँ पर हम लोग एफ लिख दिए। अब नियामक ज्यामिति से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से चले या चिन्ह परिपाटी से चले, तो हम लोग देखते हैं चूंकि इसका यहाँ पर जितना भी डिस्टेंस है, जितना भी दूरी होता है दर्पण में, याद रखिए आप लोग कि सभी दूरी को पोल से मापा जाता है, दर्पण में सभी दूरी को पोल से मापा जाता है। और एक लाइन अभी हम बोल रहे हैं, आपको समझने के लिए कि आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। इस बात को भी आप पकड़ सकते हैं, इससे भी आप डिस्टेंस देख सकते हैं किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव होगा। चूंकि इस सतह से लाइट का जो क्या कहते हैं परावर्तन होगा, तो ये इस सतह से होगा और ये सतह उठा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं उत्तल। इसको हम क्या कहेंगे, उत्तल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, उत्तल। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर इसको कहेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। ये हमारा उत्तल है, ये इसका तल चूंकि परावर्तक तल जो है ये इस तरह से उठा हुआ है, तो ये उठा हुआ तल है, इसलिए इसको उत्तल मतलब उठा हुआ इसका तल है, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल। तो चलिए किरण की दिशा जो होगी ये इस दिशा में होगी, यहां से किरण होगी, किरण का डायरेक्शन, तो इस दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, मतलब पोल से इधर का जो डिस्टेंस होगा ये पॉजिटिव होगा, और पोल से इधर का जो डिस्टेंस होगा ये निगेटिव होगा। पोल से इधर आगे का जो दूरी है जो किरण आरेख की दिशा में है उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे और इसको हम लोग निगेटिव लेंगे। अब आप देखिए कि पॉजिटिव क्षेत्र में, इसका ध्यान से देखिए कि पॉजिटिव क्षेत्र में फोकस और वक्रता केंद्र दोनों इसका आ गया, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि उत्तर का जो फोकस होता है वो धनात्मक होता है। उत्तल का फोकस क्या होता है, धनात्मक, चूंकि फोकस और वक्रता केंद्र दोनों पॉजिटिव क्षेत्र में रीजन में आ गया है, इसलिए हम लोग कहते हैं उत्तल का फोकस जो होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। ध्यान दीजिए वस्तु को आप जब भी कभी रखेंगे तो दर्पण के इस जो परावर्तक सतह है उसके सामने यहां रखेंगे, यहां पर आप रखते हैं कहीं पर रखेंगे, तो कहीं पर इधर का चूंकि डिस्टेंस क्या होता है, निगेटिव होता है, और वस्तु के दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिए वस्तु के दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं यू से, और इसमें क्या हो जाएगा, हमेशा निगेटिव होगा। वस्तु का दूरी क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा, वस्तु का दूरी हमेशा निगेटिव। एक बात आप लोग ध्यान रखें कि वस्तु का दूरी जनरली निगेटिव ही होता है, वस्तु का दूरी जो होता है वो जनरली निगेटिव ही होता है। तो चलिए ध्यान देते हैं, वस्तु का दूरी यहाँ पर ये निगेटिव आ गया, लेकिन प्रतिबिंब जो फॉर्म होता है तो ध्यान दीजिए प्रतिबिंब का यहाँ पर इमेज जो बनेगा इसका, तो ये पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा, पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा। ध्यान दीजिए जैसे जैसे अनंत से पोल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अनंत से पोल के तरफ जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, इसका इमेज फोकस से पोल के तरफ घ सकता है, और हर एक स्थिति में फोकस और पोल के बीच में ही होता है। इसका मतलब भी अगर हम कहें तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक, और फोकस दूरी ये तो धनात्मक ही होगा। अब तीनों बात को आप लोग समझ गए, चूंकि ये जानना इसलिए जरूरी है कि आगे जब प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिएगा जो नॉमिकल्स होता है इस चैप्टर में, वहां पर आपको चिन्ह लेने में आसानी हो, इसलिए हम इतना डिटेल से इस चीजों के बारे में आपको बता रहे हैं। ध्यान दीजिए वस्तु की दूरी यहाँ पर निगेटिव आ गया,
प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव आ गया और फोकस दूरी भी पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो ये है हमारा, ये हमारा है, इसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। ये हमारा उत्तल दर्पण है। और एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यहाँ बनता है, ध्यान दीजिए, चूंकि लाइट जो होता है इधर से जब लाइट आती है तो लाइट आने के बाद फोकस का जब हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं, टेंथ क्लास में जब हम लोग पढ़े थे तो वहां पर हम लोग पढ़े थे कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। जरा गौर कीजिए, चूंकि ये भाग इसका पेंट किया हुआ है, लाइट इधर जाएगा नहीं बल्कि ये लाइट इधर लौटेगा, लेकिन हम लोग कल्पना करते हैं कि अगर आगे जाता तो इस तरह से आकर के यहाँ पर मिलता, तो यहाँ कल्पना किए हुए हैं। इसीलिए याद रखिए कि उत्तर का फोकस जो होता है ये काल्पनिक होता है। उत्तर का फोकस क्या होता है? काल्पनिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है? काल्पनिक होता है। इसको आप याद रखें। आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं और अगले वीडियो में हम आपके बीच इससे आगे का जो टॉपिक है उसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग जिस किताब से स्टडी करते हैं उस किताब को, किताब का सहारा लें, सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी इन कोरोना वायरस केस। कोरोना वायरस के केस में आप जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वही आपका बेस्ट स्टडी है। ज्यादा से ज्यादा समय अपने बुक पर दें और अच्छी तरह से तैयारी करें। धन्यवाद।